डिपार्टमेंट से ये सैनिक कॉलोनी 69 से लेकर 70 तक में हैंडओवर की थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सैनिक कॉलोनी को, और ये 450 कनाल की ज़मीन थी जो आज 252 कैनाल माफिया के हाथ में आ गई है। तो एक गैर मुमकिन खट थी, उसको करोड़ों रुपये खर्च करके बांध बना के घट का एक नाला नाले में पानी जाने दिया। में सैनिक कॉलोनी ने करोड़ों रुपये खर्च के रोड्स भी बनाई हैं, पोल भी लगाए हैं, प्लाट भी लाट किए हैं, रजिस्ट्री भी हुई है, जो आज खसरा नंबर 723 और 32 में फाल करता है, जो कि नहीं था। हमारा मुद्दा ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है और सैनिक कॉलोनी जो माफिया ने कवर किया है हमारे प्लाट, उसके अगेंस्ट ये आज कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस माफिया की इतनी फेवर कर रहा है कि गलत चीज़ को वो ठीक कर रहा है और ठीक चीज़ को वो गलत कर रहा है। प्लाट हमारे नाम है, रजिस्ट्रियाँ हमारे नाम हैं, सैनिक कॉलोनी के पास वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सैनिक कॉलोनी को वो ज़मीन दी है, अवार्ड किया हुआ है, और 60 रुपये पर कनाल सैनिक कॉलोनी वालों ने 60 रुपये कनाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, वो भी गैर मुमकिन खड के। जो गैर मुमकिन खड है वहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वहाँ बिल्डिंग बना सकती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को ये मालूम भी है, पर इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने उनके फेवर में सारा काम कर दिया, उन माफिया को हैंडओवर कर दिया। हम गवर्नर के आगे अपील करते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि ये हमारी एक्स सर्विसमैनों की आवाज़ सुनी जाए और इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, कोई इंक्वायरी करी जाए। हमने विजिलेंस में भी केस लिया, वो भी ठप पड़ा हुआ है, क्राइम ब्रांच में भी किया, वहीं भी ठप पड़ा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो ओपनली उनकी फेवर करता है। 75 खसरा नंबर को 772 और 773 को 75 की तरह वजह वो उसको उसका नंबर दे रहा है, वो टेम्परिंग किया। जिस खसरा सॉरी लट्ठे के अगेंस्ट जो प्लाट वो निशानदेही दी गई थी वो उन्होंने लट्ठा ही चेंज कर दिया। वहाँ एक उन्होंने एक रिटायर्ड तहसीलदार कोई मलिक उसको रखा था, उसने पूरी सैनिक कॉलोनी का नया लट्ठा बनाया। देखो जी, मेरे दादाजी फर्स्ट बार के हीरो थे, मेरे फादर साहब वर्ल्ड वार सेकंड के हीरो थे, मगर आज हमें ये मेडल लेके आपके पास दरबदार हो रहे हैं। से एक गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया था, वो प्लाट, वो भी उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सारा ही हैंड ओवर उनके साथ करिए। हम उस फैमिली से तल्लक रखते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ी हुई है, वर्ल्ड वार सेकंड लड़ी है, 65 लड़ी है, 71 लड़ी है, सब लड़ी है, तो हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। ये गवर्नर के पास हमारी अपील जानी चाहिए आपके थ्रू कि इस पर इस विषय पर कोई एक्शन लिया जाए और माफिया को वहाँ से निकाला जाए, जो हमारी प्रॉपर्टी हमें दी जाए। ये शुक्रिया आप, क्योंकि उसको खरीदने वाला और बेचने वाला जब इसको बेहतर उन्होंने एक्विजिशन के लिए लेटर दे दी थी, लेकिन बदनसीबी यह है कि 5-6 साल हो गए वो भी खामोश बैठा रहता है। अगर मैं चाहता हूं कि अब आपका जो मीडिया जब इन्होंने पेमेंट कर दी तो वो लैंड हमारी है, वही क्राइस है, झूठ का झूठ सच का सच सामने आ जाए।